उत्तराखंड को गौरव से भर देने वाली एक खबर सामने आ रही है। दरअसल आप सभी जानते हैं पहाड़ की बेटियां उत्तराखंड का नाम रोशन करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। इन्हीं में से एक है मनीषा, एयरफोर्स ऑफिसर, वायुसेना अधिकारी मनीषा, जिन्हें मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति ने ADC के रूप में अपॉइंट किया है। आपको बता दें कि मनीषा को देश की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी बनने का गौरव हासिल हुआ है। आपको बता दें मनीषा का जो परिवार है वो उत्तराखंड के गौरवशाली सैन्य परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मनीषा स्क्वाड्रन लीडर हैं, जिनका परिवार देहरादून के डोईवाला में रहता है। आपको बता दें कि मनीषा के ससुर प्रेम सिंह कार्की भी सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर रह चुके हैं। मनीषा के पति दीपक कार्की खुद सेना में मेजर हैं और इस वक्त उनकी पोस्टिंग गुरदासपुर में है। आपको बता दें कि मनीषा 2015 बैच की भारतीय वायु सेना अधिकारी हैं, जिन्हें फिलहाल राज्यपाल के ADC के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यही नहीं, मिजोरम के राज्यपाल ने भी अपने एक मैसेज में कहा है कि मनीषा की अपॉइंटमेंट महज एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि उन महिलाओं की उल्लेखनीय क्षमताओं का प्रमाण है जो लैंगिक मानदंडों को चुनौती देती है और कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करती है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी शुभकामनाएं कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।